कभी कभार हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि वी फील लाइक वी आर अंडर वाटर और हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना भी हम ऊपर स्विम करने की कोशिश करें, कोई फोर्स होती है जो कि या तो हमें रोक रही होती है या वो डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता चला जाता है फॉर सम रीज़न। एंड एट वन पॉइंट ऑल ऑफ दिस हार्ड वर्क स्टार्ट्स टू टर्न इनटू पैनिक, और फिर आप किनारा ढूंढने के बजाय उस ताकत से लड़ने में लग जाते हैं जो कि आपको रोक रही होती है। आपको पता तो होता है कि कहीं ना कहीं किनारा तो है, लेकिन आप उसे भूल जाते हैं क्योंकि आपका फोकस डाइवर्ट हो चुका होता है। अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि देयर आर सम थिंग्स इन आवर लाइव्स व्हिच वी कैन्ट रियली चेंज, और चाहे हमें अच्छी लगे या ना लगे, ये हर किसी के साथ हो रही होती हैं। कुछ सवाल जैसे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जो कि मैं सही कर सकता हूँ जो मेरी बिल्कुल पर्सनैलिटी के साथ मैच करे, एंड समटाइम्स यू डोंट इवन नो कि वो सही चीज़ क्या है या क्या हो सकती है। फॉर मी हमेशा से व्हेनेवर आई फेल्ट पावरलेस या ज़िंदगी में एक बेइख्तियारी आई है या मोहताजी आई है, तो ज़िंदगी में एक फ्रस्ट्रेशन आ गई है कि यार ये तो इतना आसान काम है ये मुझसे नहीं हो रहा, या तो इतना आसान काम है किसी और के लिए जो मेरे लिए कर सकता है वो नहीं कर रहा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हेन द डाउट्स इन आवर लाइफ स्टार्ट टू किक इन कि क्या जिंदगी के फैसले मैं सही ले भी रहा हूँ जो कि मैं इतने छोटे मसलों में फंसा हूँ, या मुझे कुछ चीज़ों का जवाब नहीं मिल रहा, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि वो कॉलिंग नहीं आती अक्सर अंदर से। एंड दिस कीप्स ऑन बिल्डिंग अप, कीप्स ऑन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, एंड दिस इज व्हेन द फ्रिक्शन स्टार्ट्स टू किक इन। फॉर मी आई काइंड ऑफ फाउंड अ सोल्यूशन फॉर माई सेल्फ, एंड आई वुड से कि मुझे एक रास्ता मिल गया टू केटर टू दिस प्रॉब्लम। एंड द वे वॉज टू कीप माई सेल्फ रियली रियली बिजी इन डूइंग थिंग्स इन लाइफ एंड नेवर स्टॉपिंग, एंड लिटरली माई इंस्टाग्राम सेज नेवर सेटल। और इस तरह आप अपने आप को जिंदगी के उन मसलों से डिस्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं या जिंदगी के उन झमेलों से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। नो डाउट इसमें लाइफ बहुत फुलफिलिंग हो जाती है, बट वैन यू स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड स्टार्ट टू थिंक और पर्दे के पीछे आप देखते हैं, तो यू फील लाइक मे बी यू आर एट द ग्राउंड जीरो एंड यू स्टार्ट वंडरिंग जो मैं काम कर रहा हूँ क्या मैं सही भी कर रहा हूँ या खुश हूँ मैं इस काम में। एंड वही सेम बेसिक सवाल, एक बात जो अक्सर लोग एडमिट नहीं करते बट आई विल डू दिस, एंड डैट इज़ कि मुझे कहीं ना कहीं ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। Everybody wants to be accepted and to be valued in their lives. And it is very easy to say कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, I don't care whatever others think about me. But मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ता है, कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता, ये चीज़ बिल्ट इन है हमारे अंदर टू मेक सोशल connections, स्टे कनेक्टेड विद पीपल, लिसन टू पीपल, स्पीक टू पीपल। कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता, और फिर भी कभी कभार हम अपने आप को जिंदगी के उस फेज में पाते हैं वेयर वी फील अलोन एंड डिसकनेक्टेड। पॉइंट ये है कि समटाइम्स इट्स ओके नॉट टू फील ओके एंड टू बी लॉस्ट इन लाइफ एंड डोंट नो वॉट टू डू एग्जैक्टली विद इट, बिकॉज जितना आसानी से मैं इसको बोलूँ उतना ही कॉम्प्लेक्स है ये कहना कि हम उतने ही मुश्किल लोग हैं। उसके बाद हमारे अराउंड लोग, सोसाइटी, सोशल प्रेशर्स, कल्चर के प्रेशर्स, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को एक्सपोनेंशियली कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। And at the end of the day, we are all learning at our own paces, speed, have our own directions. कभी कभार में भी ये accept कर लेना चाहिए कि that there is nothing really which needs to be fixed. और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ किसी चीज़ को सही करने की, and this is the best I can do. सो ये टॉपिक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा एंड आई डिसाइडेड टू डू सम रिसर्च ऑन दिस कि ऐसा क्यों होता है लोगों के साथ एंड व्हाट आर द सम वेज ऑफ फिक्सिंग दिस। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वाइज, एंड आई थिंक इट्स अ साइन। जिंदगी एक खेल है जहाँ पे आपको हिंट्स मिलती हैं, बस फ़र्क इतना है कि ये हिंट्स हिडन होती हैं और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन हिंट्स को आप किस तरह इंटरप्रेट करते हैं। अक्सर व्हेन यू आर फीलिंग लो, इट्स अ साइन दैट योर हार्ट, माइंड एंड बॉडी नीड्स अ चेंज, एंड डेट्स वाई समटाइम्स वी फील स्टैगनेंट। स्टैगनेंसी को उर्दू में ठहराव कहते हैं, और हम इंसानों की फितरत में ठहराव नहीं है, तभी शायद हम अशरफुल मखलूकात हैं कि अक्सर जब हम एक जगह रुक जाते हैं या जॉब में कोई खास ग्रोथ नहीं होती, रिलेशनशिप्स में गहराई नहीं होती, तब वी स्टार्ट टू फील के जैसे सब होने के बाद भी कुछ नहीं है। आर यू हैप्पी वेयर यू आर? टेक अ मोमेंट टू आंसर डैट। एट टाइम्स हमारे पास वो सब कुछ होता है जो बाकी लोग शायद मानते हैं, बट समटाइम्स वी जस्ट डोंट कनेक्ट विद इट। मे बी यू आर स्टडिंग एंड यू डोंट एंजॉय इट फुली, मे बी यू हैव अ जॉब विच यू डोंट लाइक इट। सेकेंडली, डिसकनेक्शन कैन ऑल्सो मीन डैट यू आर लूजिंग टच विद योर मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स, क्योंकि जब आप फेथ को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं एंड वैन फेथ इज रिप्लेस बाई समथिंग एल्स इन योर हार्ट, तो दिस क्रिएट्स अ स्पेस अ वैक्यूम। एंड लास्ट पॉइंट इन माई ओपिनियन इज डैट वी नीड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमें हर चीज फौरी चाहिए होती है, हर चीज अभी चाहिए, एंड दिस काइंड ऑफ क्रिएट्स एन इम्पेशेंस इन अस व्हिच नॉट एवरीबॉडी इज एबल टू हैंडल इट।
Now this brings me to my last section, and that is about what to do in your life when you are stuck in such a situation. The first and foremost important is accept your situation and surroundings. Stop comparing yourself with your others. कि किसी की शादी हो गई, लोग करियर में ग्रो कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ. We all have been there कि जब भी हम अपनी न्यूज़ फीड खोलते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ किसी ना किसी की ज़िंदगी में ज़रूर हो रहा होता है. एंड इन माई ओपिनियन ऑल ऑफ दिस इज़ इनसिग्निफिकेंट. ऑल यू नीड टू फोकस इज़ ऑन योर सेल्फ कि कल आप क्या थे और आज आप क्या हैं, उससे क्या कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चेंज आया है, एंड देन बिल्ड अपॉन इट. द सेकेंड थिंग इज़ स्टेप आउटसाइड ऑफ योर कम्फर्ट जोन. उस वॉइड या उस खालीपन को फिल करने के लिए आपको कुछ हट कर करना पड़ता है. हम अक्सर अपनी ज़िंदगी खालीपन में ही गुजार देते हैं और उस खालीपन को फिल करने के लिए जो हदें पार करना ज़रूरी होती हैं वो नहीं करते. कि फॉर एग्जांपल हम मुतमईन हैं काफ़ी है, मेरे ख्याल से ये काफ़ी नहीं है. मेरे ख्याल से देर विल बी सम बाउंड्रीज विच यू विल नीड टू क्रॉस. यू विल हैव टू गो आउट देयर, यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ टू अचीव समथिंग. बट इन ऑल ऑफ दिस प्रोसेस डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर हार्ट. जितना ज़रूरी है दिमाग की सुनना, उतना ही ज़रूरी है दिल की सुनना. इफ़ यू वॉन्टेड टू गो ऑन अ हाइक, गो फॉर इट. सिंगिंग का शौक है, ट्राई टू लर्न सम सिंगिंग. पेंटिंग इज योर एक्सप्रेशन, ट्राई टू थ्रो इन सम कलर्स. फाइंड सम न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, लिसन टू योर हार्ट, ट्राई टू डू समथिंग विच यू हैव नेवर डन बिफोर. एंड द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज टू डू इट एवरी डे फॉर 60 seconds. दिस हैज रियली हेल्प मी टू लर्न सम पियानो ऑन माई ओन. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ. डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग टेम्पररी हैप्पीनेस. जिंदगी में अपनी रूट्स को पकड़ के रखना, अपनी वैल्यूज को कॉन्स्टेंट रखना बहुत जरूरी होता है. By this, constantly reminding about yourself कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था. Sit with your old friends. अगर आपके नाना नानी दादा दादी जिंदा हैं तो maybe आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करें, why not? And last but not the least, be grateful. ये चीज़ बोलना बहुत आसान है बट करना मुश्किल है. लेकिन अगर आप हर रोज़ किसी एक चीज़ के लिए थैंकफुल होंगे तो आप खुद ही खुश और अपलिफ्टेड फील करेंगे. एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन. की तो सारी बातें थी जो मैंने अभी वीडियो के अंदर कर ली, बट यू विल फील द रियल पावर व्हेन यू डू थिंग्स फ्रॉम योर ओन, फ्रॉम योर इनसाइड. जब तक आप वहाँ से काम नहीं करेंगे जब तक वो फील नहीं आएगी और बातें सिर्फ बातें रह जाएंगी. इफ़ यू डोंट रियली नो वॉट टू डू, देर इज अ वीडियो आई मेड फॉर 22 गोल्स फॉर द ईयर ऑफ 2022. यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड गेट सम आइडियाज कि आप क्या कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन मेक योर लाइफ बेटर एंड चेंज इट फॉर द बेटर. सी यू देयर.